राम राम जी। त्योहारों की शुभकामनाएं, मुबारकबाद। नव वर्ष है, 11 को हमारी ईद है। ये सब त्यौहार हमारे मेल जोल के प्रतीक हैं, भारतीय संस्कृति के हैं और हमारे ख़ास तौर से भारतीय समाज की परंपरा रही है कि कोई त्यौहार सिर्फ उनको मनाने वालों तक सीमित नहीं, खुशी चारों तरफ, सब लोग शरीक होते हैं, शामिल होते हैं, खुशी बांटते हैं। तो मुस्कुराहट में देख रहा हूँ आपके चेहरों पर, मंच बहुत अच्छा सजा है, बहुत जिम्मेदार लोग यहाँ मंच पे बैठे हैं, सामने लोग बैठे भी कम जिम्मेदार नहीं है। ये मातृशक्ति जो बैठी है ये कोई कम जिम्मेदार नहीं है, किसी लिहाज से नहीं है। खुद दो बेटियां हैं और दो बहनें, कई बुआएं थीं, दादी जी को मैंने देखा एक्शन मोड में। तो घर के फैसले भी और समाज में भी आपकी बहुत बड़ी भागीदारी होने वाली, ये लोग चाहे ना चाहे होने वाली है। और राजनीतिक क्षेत्र में भी ये सभी पार्टी और राजनीतिक संगठनों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हिस्सेदारी महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा दें, क्योंकि आपको मालूम है कि कानून पास हो चुका, बहुत लोग उसके पक्ष में नहीं थे, बहुत लोग अंदर अंदर विरोध करते थे, लेकिन वो कानून बन चुका है। तो भारतीय समाज को, मतदाताओं को, अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए कि एक नई क्रांति राजनीति में आने वाली है और महिला शक्ति मंच पे, हर स्तर पे मंच को सुशोभित भी करेंगी और समाज के लिए काम भी करेंगी और कल्याण में अपना योगदान भी देंगे। मैं अशोक जी को, जो हमारे प्रभारी हैं इस लोकसभा कैंपेन के, पूरी तरह से कमान उनके हाथ में है और बीजेपी और लोकदल उठा रहे हैं और हमारे पूरे लोकसभा क्षेत्र के तमाम विधायक, पूर्व विधायक, दोनों दल के वरिष्ठ और हमारे एनडीए के गठबंधन दल के कार्यकर्ताओं का नमन करता हूँ। सारी बात तो डॉक्टर राजकुमार जी ने कह दी और उनके आगे कोई स्क्रिप्ट, कोई कागज तो था नहीं, जो दिल में आई थी बात कर। मैं उनको बहुत सालों से देख रहा हूं, डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी ने आज शायद मेरी नजर में अब तक का सबसे लंबा भाषण दिया होगा। वो मंच पे बैठने की या अपने आप को वहां नंबर गिनाने की या मंच से बोलने की कहीं उनको होड़ नहीं थी। और एक आध बार मुझे याद है मैंने उनको टोका, जी डॉक्टर साहब बोलोगे कुछ समझने नहीं, हो आज बेहतरीन आप बोले हो डॉक्टर साहब। और हमें विश्वास है कि जो सीट चौधरी चरण सिंह जी की रही, जहां से चौधरी अजीत सिंह जी ने नेतृत्व किया, बहुत ईमानदार अच्छे छवि के लोगों को बागपत लोकसभा क्षेत्र ने चुना है, उस श्रृंखला में आपका नाम दर्ज होगा और लिखा जाएगा। मुझे ये भी बताना चाहिए कि हमने नया अलायंस किया, बहुत लोगों को तो अच्छा लगा और कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा, और जो विरोधी है वो तो विरोधी है, वो मैं यहां तब विरोधी वहां था तब विरोधी। आज एक और अच्छी योजना सरकार लाई है और वो है जो कामगार के लिए 13,000 करोड़ की लागत, सितंबर 2023 में पीएम विश्वकर्मा जो लॉन्च हुई, बेहतरीन योजना। 18 ऐसे ट्रेड उन्होंने उनकी पहचान करी, नाई है, कुमार है, लोहार है, सुनार है, मूर्तिकार है, कोई माला बनाता है, कोई नाव बनाता है, कोई बच्चों के लिए खिलौने बनाते हैं। इससे पहले उनके लिए कोई योजना थी क्या? बनाई कि उनको प्रशिक्षण कैसे मिलेगा? जब प्रशिक्षण हासिल करेंगे तो उनको सीधा उनके खाते में भत्ता मिलना चाहिए और प्रशिक्षण हासिल करने के बाद उनको मार्केटिंग सीखनी है, उनको ब्रांडिंग सीखनी है, उनको पैकेजिंग सीखनी है, उनको लोन लेना है, उसके लिए योजना बनी। मैं नहीं कहता इसकी, इस योजना की जानकारी भी लोगों को अभी नहीं होगी, तमाम ऐसी बड़ी बड़ी योजना चल रही हैं।
जब लोकदल के प्रतिनिधि पहुंचेंगे, जब एनडीए की सरकार दोबारा तीसरी बार बन के जाएगी, जब इन बारीकियों पे हम और आप नजर रखेंगे, जब गांव के लोगों को हम बढ़ चढ़कर हिस्सा उनको दिलाएंगे, हकदार बनाएंगे, अपने अधिकार के लिए वो सामने आएंगे, तो ये सारी योजना जो गरीबों के लिए बनती है, अति गरीब बनती है, उनमें कोई भेदभाव नहीं होता। विश्वकर्मा योजना चल रही है तो सभी जातियों की बात है, कामगार की बात है। चौधरी अजीत सिंह जी ने कामगार के नाम से दल बनाया था, लोक दल का वो अघन हिस्सा है, उस कामगार को सम्मान और इज्जत दिलाने के लिए योजना का एक उदाहरण मैंने आपको दिया। जब आप सरकारी फाइल देखोगे, दस्तावेज देखोगे, ऐसी तमाम योजनाएं चल रही। हमें चाहिए मजबूत वकील। मैं पार्लियामेंट में अकेला लोक दल का नुमाइंदा हूं और मैं जानता हूं डॉक्टर सांगवान जी का बहुत लंबा अनुभव है, वो आपको कह पाएंगे जी अभी मुझे जानकारी नहीं है, नहीं है। 40 साल में उन्होंने छात्र की समस्याएं देखी और उसका समाधान किया। कहीं सिंचाई की दिक्कत किसान की आई, कोई सड़क पे विवाद हो गया कि वहां सड़क बननी और लोग खेत नहीं देना चाह रहे, कहीं चकबंदे की दिक्कत आई तो वहां भी गांव में जाके सबको बैठा के समझाने के समाधान के लिए प्रयास किए। कहीं अधिकारी ने शोषण किया किसी गरीब आदमी का, उसके साथ भी चल के गए हैं। और यहाँ कितने ऐसे लोग हैं, जब मैंने टिकट दिया कितने लोग मेरे पास मिलने आए, कहा सांगवान जी को दिया, मैं कहा हाँ, कहा सच्ची, मैं कहा दे दिया, डॉक्टर साहब को तो मैं बहुत वर्षों से जानता हूँ, जो जितने बुजुर्ग हैं बैठे यहाँ सबने मुझे आके कहा डॉक्टर साहब को तो मैं बहुत वर्षों से जानता हूँ। तो सब लोग जब डॉक्टर साहब को जानते हैं तो फिर आपका घर का चुनाव हो गया, इनके चुनाव मुझे चुनाव लड़ाने में कोई फर्क है क्या? इनको चुनाव लड़ाने में और अपने आप को, अपने घर के किसी सदस्य को चुनाव लड़ाने में कोई फर्क है? तो फिर कोई कसर छोड़ना मत, कोई कमी मत छोड़िएगा। मैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए, चूंकि यहां हम उनसे मांग रहे हैं, दूसरी जगह को थोड़ी बहुत हम उनको दिला रहे होंगे, बट यहां हम उनसे मांग रहे हैं, तो लोकदल के लोग जितने भी हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं का अपने से ज्यादा सम्मान रखना। जो हाथ नहीं जोड़ेगा उसे जीवन से नहीं मिलता, जीवन में उसको मिलता है जो दोनों का सम्मान करते हैं। और यहां तत्पर हैं, तैयार हैं, उन्हें एक तस्वीर दे रही है बड़ी बनती हुई, शायद वो हालात हमारे क्षेत्र के नहीं बन पाते अगर लोकदल और बीजेपी एक साथ नहीं आता। हमने सोच लिया, संकल्प कर लिया, अब हम लोग आए हैं, किसानों का भला कैसे होगा, किसान की जो समस्याएं हैं, क्योंकि हम खड़े हैं भोजपुर में, भोजपुर के यहाँ जो लोग हैं बहुत जागरूक हैं, हर मामले में इन्होंने आंदोलन भी किए और सफलता भी इनको मिली। भूमि अधिग्रहण को लेकर यहाँ हमने मीटिंग करी, शायद इसी स्थान पर मेरी भी बैठक हुई थी जब हमने यात्रा, हाईवे बन गए, विकास हो गया, उस विकास से यहाँ के लोग वंचित ना रह जाएं, ये लड़ाई भी भोजपुर के किसानों ने लड़ी है। तो उनकी उस लड़ाई का सम्मान रखते हुए और किसानों के जो आंदोलन देश भर में रहे, जो उनकी मुख्य मांगे हैं दाम को लेके, रोजगार को लेके, उनकी इज्जत हमेशा लोकदल का